हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्रेकफास्ट रेसिपी सबसे पहले आपको बेसन लेना है दो कप बेसन लेने के बाद आपको उसमें वाटर मिक्स करना है अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे अजवाइन थोड़ा तो सा अजवाइन डालेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें वेजीज़ तो कुछ वेजीज़ चॉप कर लेंगे ये देखिए वेजिज़ मैंने ऑलरेडी कट कर करके रखी हैं आप चाहें तो और भी ऐड कर, कर सकते हैं इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो उसके बाद यहाँ पे मैंने पोटैटो की सब्ज़ी बनाई है ये सब्जी बिल्कुल सिंपल है जीरे और हल्दी डालकर मैंने इसे बनाई है आप सिंपली जो डोसा के लिए बनती है वो बना सकते हैं आपको सिंपली ब्रेड को डिप करना है बेसन में और इस तरीके से आपको इसमें रख देना है ये देखिए थोड़ा सा बटर ऑयल घी जो आप चाहें पैन पे आप लगा लीजिए उसके बाद आपको डिप करके इसे इस तरीके से रख देना है जब ये थोड़ा सा नीचे से पक जाए इसे पलटा देंगे इसे पलटाने के पहले इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे ऊपर से अब इसे पलटा देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए ये देखिए इस तरीके से आपको करना है एकदम मीडियम फ्लेम पे से पकाना है ताकि बेसन जो है वो कच्चा ना रह जाए ये देखिए इसमें मैंने मेयोनी और टोमेटो सॉस लगा दिया है एक साइड अब इसमें हम जो हमने आलू बनाएंगे उसकी टिक्की बना कर इसमें स्प्रेड कर देंगे इसके बाद जो सैलेड हमने कट किया था वो इसके ऊपर रख देंगे बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट बहुत टेस्टी लगती है आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा सिंपली आपको ऐसे ही करना है आप दूसरा जो ब्रेड का पार्ट है वो उसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से सेक से लेंगे आप चाहें तो ऊपर से टेस्टी सॉल्ट भी डाल सकते हैं मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा और इसे पकाएंगे जब ये अच्छे से पक जाए तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है ये देखिए इस तरीके से आपको करना है और जो भी शेप आप चाहें कट कर सकते हैं इसके और रेक्टेंगल जो आप चाहें कट कर सकते हैं मैं इसे बी से कट कर रही हूँ तो चलिए इसे सब कर लेते हैं आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय सी यू सून